ये फिजिक्स के फुल कोर्स के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस। फर्स्ट वन है आपके पास कि अ मैन कैन थ्रो अ बॉल टू द मैक्सिमम हाइट एच, ठीक है। मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं रेंज को, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज का जो फार्मूला है, रिलेशन है, वो आर इज इक्वल टू टू टाइम ऑफ एच, ठीक है। और एक वो दूसरा, उसमें सिर्फ एक चीज मैक्सिमम होती है जिसमें हम कहते हैं आर इज इक्वल टू फोर टाइम ऑफ एच, वहां पर टेंजेंट 45, ठीक है, वो बिल्कुल 45 पे होता है। और दूसरा होता है आर इज इक्वल टू एच, वो 76 डिग्री पे ही आप लोगों से कहते हैं, ठीक है। तो टू टाइम ऑफ एच। एनर्जी, एनर्जी के लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं एच सी बाय वेव लेंथ। एच सी से आप अगर इनमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, इससे आपके पास आंसर आता है 1240, और डिवाइड बाय वेव लेंथ तो पहले से फार्मूले में मौजूद है। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आइसोबैरिक, आप लोगों ने चार्ल्स लॉ पढ़ा है, ठीक है, उसमें स्ट्रेट लाइन है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर के। रेशियो ऑफ द मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस इन अ ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन, मिनिमम वेवलेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं उसके शेल का स्क्वायर, हाइड्रोजन वन है, वन का स्क्वायर सिर्फ आ जाएगा वन, ठीक है, वो तो वन है। और दूसरे के लिए हम यूज़ करते हैं, अगर आप सॉल्व करना चाहो, वन बटा वन का स्क्वायर माइनस वन बटा टू का स्क्वायर और इक्वल टू वन बटा वेव लेंथ, ठीक है। इससे वेव लेंथ ये फोर आ जाएगा नीचे, ठीक है, एलसीएम ऊपर आ जाएगा, फोर माइनस वन थ्री बाई फोर। अब ये वन बटा वेव लेंथ इसको उल्टा करोगे तो वो भी फोर बाई थ्री हो जाएगा, थ्री ऊपर तो मीन्स थ्री बाई फोर। स्पीड ऑफ फोटॉन इन वैक्यूम इक्वल टू सी इन एडियाबैटिक सिस्टम। देखो ये फार्मूले आपने याद करने, जैसे चार्ल्स ला, बॉयल्स ला, एवोगाड्रो ला, इसी तरह एडियाबैटिक सिस्टम में आपके पास जो फार्मूला यूज होता है पी वन माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट। अ लिफ्ट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो जी जीरो है, फ्री फॉल है तो टी इनवर्सिव प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ जी। जब जी जीरो है तो समथिंग डिवाइड बाई जीरो आपके पास इनफाइनाइट टाइम देगा, ठीक है। 76 से द लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई टू बोथ मूविंग एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एक्सप्रेस इन रेडियन पर सेकेंड 2π/60 मिनट। आप मुझे सेकंड में चाहिए तो और भी 60 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको सॉल्व करो, इससे आपके पास ए वाला आंसर आता है। व्हाट हैपन टू द कैपेसिटी ऑफ, तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिटिविटी, जो भी डालोगे उसकी परमिटिविटी ग्रेटर देन वन होता है तो इंक्रीज होगा। और अ व्हील हैज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये हुआ भी पड़ा, आई थिंक इसको मैं बड़ा कर लूँ। ये देखो आपके पास फार्मूला एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन बटा टू ए टी स्क्वेयर, इसको इन टर्म ऑफ थीटा, इसको डब्ल्यू आई टी प्लस वन बटा टू एल्फा टी स्क्वेयर, ठीक है। अब थीटा इसने पूछा हुआ है, डब्ल्यू आई भी इसने आपको दिया हुआ है टू, टी भी इसने दिया हुआ है टू, इसी तरह एल्फा भी थ्री दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है। इसको सॉल्व करोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, इससे आपके पास ये टेन वाला आंसर आएगा। पीरियड पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेट विद एम्पलीट्यूड ए, द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज टी द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मीन पोजीशन है, ठीक है, मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे जो टाइम लगता है वो होता है टी बाई ट्वेल्व, इससे आगे हाफ एक्सट्रीम में टी बाई सिक्स, और अगर आपको एम्पलीट्यूड एक्स बाई अंडर रूट टू दे दे उसके लिए टाइम होता है टी बाई एट, ठीक है। तो ये तीन एमसीक्यूज है, ये पूछते हैं अब इसमें यही क्या है, मीन से हाफ, तो ये टी बाई ट्वेल्व है। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक ही फेज में होते हैं और परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ठीक है। 82 है, पार्टिकल प्रोजेक्ट एट 60 डिग्री, देखो कास 60 पे क्या होता है, हाफ काइनेटिक एनर्जी में होता है कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर भी डालो तो ये 1 बटा 4 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और अ करंट फ्लो अलोंग द लेंथ ऑफ एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल्ड पाइप, इट्स मीन द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड जीरो होता है, अ चार्ज पार्टिकल। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट में आपके पास ये होता है ई क्रॉस बी एक वैल्यू देते हैं, अगर आप इसको बी क्रॉस ई करोगे ना तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स नॉट ए एंटी कम्यूटेटिव, अगर आप लोगों ने वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा हो तो बी क्रॉस ई नहीं हो सकता, ई क्रॉस बी होगा। और नीचे क्या होता है फार्मूले में ई बाई बी ना, नीचे बी स्क्वायर, अगर बी बी कटेगा भी तो नीचे बी बचता है, दैट्स वाई बी ऑप्शन करेक्ट है। पूछा द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एमिट, एमिट पहले कहते हैं ऊपर से नीचे जंप मारना, तो ये ऑप्शन भी गया, ये तो ऊपर जा रहा है, ये भी गया, ये भी ऊपर जा रहा है। अब देखो फर्स्ट वाला जो है ना उसमें अल्ट्रा वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, और डिफरेंस भी फर्स्ट वाले के लिए सबसे ज़्यादा है, दैट्स वाई डी ऑप्शन पूरा। जब टू से वन में आएगा डिफरेंस ज़्यादा है, एनर्जी इस दिन में सबसे ज़्यादा रिलीज होगी, एनर्जी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा। इफ सी पी एंड सी वी डिनोट द स्पेसिफिक हीट ऑफ नाइट्रोजन गैस पर यूनिट मास की बात कर रहा है, ठीक है, पर यूनिट मास है तो सी पी माइनस सी वी देता है आर, और नाइट्रोजन के लिए पूछ रहे हैं आर बाई 28। अ बॉडी मूव 2 सेकेंड
अच्छा ये फार्मूला यूज होता है v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। अभी v1 कितना है 15, t1 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 30 और वो है 5 मल्टीप्लाई 8, 40 प्लस 30 70 डिवाइड बाय 10, 8 प्लस 2 10 होते हैं तो आपको 7 देते हैं, तो 7 के आसपास आंसर मिलेगा। वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज 3 टाइम। देखो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ, बट अगर स्ट्रेचिंग का केस आ जाए ना तो उसमें स्क्वायर ले रहे हैं, एल का स्क्वायर, तो अगर 3 करोगे 3 का स्क्वायर 9 देगा, तो 9 मल्टीप्लाई 20 180 ओम आपके पास देता है। 89 है आपके पास कि द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई वर्क नहीं करता इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर 1:8। अ लेड, देखो लेड मीन डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स पे कोई नहीं आएगा, जीरो, ट्रांसफार्मर तो एसी सोर्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, ऑफ इंटेंसिटी का होता है I1, फार्मूला पहले याद कर लें, I1 प्लस I2 टू अंडर रूट I1 I2 cos थीटा, मैक्सिमम का जीरो पे होता है। I1 क्या है आपके पास, I1 है 16 प्लस 9 आपके पास होगा 25 ना, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, क्योंकि मैक्सिमम में जमा होते हैं, ठीक है, तो 16 प्लस 9 5 2 10, 16 प्लस 9 क्या है 25 जमा 10 35, और मैक्सिमम में होगा 35, इसका स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 35 का स्क्वायर। इसी तरह नीचे माइनस में होगा, अगर मैं कॉस 90 पुट करूँ तो ये टर्म तो गया जीरो, सिर्फ ये बच्चा I1 प्लस I2, ये सिर्फ 25 है, और ये आप करो ना 35 मल्टीप्लाई 25 सिर्फ, ठीक है, तो इससे आपके पास आता है 49:1 आंसर आपके पास इसमें आता है, ठीक है। कॉस 90 में वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, 16 माइनस 9 सॉरी काज वो है ना, काज 180 होगा, 180 में हम माइनस पुट करेंगे, तो 180 में माइनस 16 माइनस 9 क्या होता है 5, इस पर भी तो स्क्वेयर डालोगे ना, तो ये 5 का स्क्वेयर होगा, फिर ये 25 आता है, इसी तरह, 35 का स्क्वेयर है, नीचे भी 5 का स्क्वेयर, फिर ये 25 आएगा, इससे आपके पास 49:1 आंसर आता है। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इस, और इसमें ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, इसमें एक क्वेश्चन आते हैं एम्पलीट्यूड के, एम्पलीट्यूड में फिर सिर्फ जमा होते हैं, मीन एक एम्पलीट्यूड दिए हुए 16 प्लस 9 इसका स्क्वेयर, और नीचे 16 माइनस 9 इसका स्क्वेयर, उधर फिर अंडर रूट नहीं है इंटेंसिटी में, तो इधर अंडर रूट आ जाता है 2I1 प्लस I2, ठीक है, उधर तो फिर अंडर रूट आ जाता है, इधर अंडर रूट नहीं है, इधर सिर्फ सिंपल आपने स्क्वेयर लेना है 16 प्लस 9 25, इधर 16 माइनस 9 5 और 25, इस तरह फिर आपने इसका आंसर निकाला, ये एम्पलीट्यूड के साथ है, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज स्मॉल एंड द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो स्मॉल, बट स्टिल वी ऑब्टेन लार्ज करंट इन अ कंडक्टर, ये इसके पीछे रीजन क्या है, इट्स मीन द इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर इज टू मच मोर, बहुत ज्यादा है। If lambda 1 and lambda 2 are the wavelength of the first member of the Lehmann series and Pastern series respectively, lambda 1 and lambda 2 आपके पास क्या हो सकते हैं? देखो पहले आप वेव उसके लिए निकालो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, इससे आप 1/वेवलेंथ निकालो लेमन के लिए, फिर पास्टन के लिए आपने निकालना है 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, इससे फिर वेवलेंथ निकालो, फिर इसके क्या लेना है आपने, सिंपल रेशियो लेना है, और रेशियो में जो आपके पास आंसर आता है ये डी वाला आता है। एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 3 डेज, देन इन 9 डे इट्स एक्टिविटी विल बिकम, 3 डे में ये हो गया 1/3 मीन्स, ठीक है, 1/3, फिर हो जाएगा ये 1/6, फिर ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 1/9 होगा, 2 2s are 4 4 4s, ठीक है, 1 फिर हो जाएगा 1/27, 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 9 9 मल्टीप्लाई, क्योंकि 1/3 3 काम हो रहा है, ठीक है, इस तरह इसके साथ 1/3 मल्टीप्लाई करो, ये फिर हो जाएगा 27, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड बिकॉज, क्यों लेमिनेट किया जाता है, टू रिड्यूस एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट की वजह से होता है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इज ड्यू इफ इट स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर, 4 गुना बढ़ा रहा है। अब जो स्ट्रेचिंग है वो एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर को आप 4 कर रहे हो, 4 का पावर 16 यू आपके पास हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ठीक है। 97 है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी वी इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी, द फोर्स ऑन इट इज नॉन जीरो, कब नॉन जीरो हो सकता है, जब या इसके स्ट्रेट या अपोजिट ना हो, बाकी किसी एंगल पे भी आप फेंक सकते हो, तो या जीरो अदर देन या 80, इसके अलावा किसी एंगल पे भी आप फेंक सकते हो। फिर आपके पास है बम ऑफ मास 16 केजी एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 2, तो क्या है 12 मल्टीप्लाई
kg मल्टीप्लाई 4, इससे आपके पास क्या आ जाएगी, 4 kg है mv into mv, और उस तरफ mv क्या है, 12 मल्टीप्लाई 4, तो 4 कट गए, वेलोसिटी आपके पास क्या आ गई, 12, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 m, क्या है आपके पास m, किसका मैंने मास मालूम करना है, वेलोसिटी 4 और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर 4 वाले का मालूम करना है, उसकी वेलोसिटी है 12 का स्क्वायर, इसको सिंपल सॉल्व करना है, इसके लिए आपके पास क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड दिस, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम द पार्टिकल गोज अप, क्या पुट करना है, अब अपवर्ड जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी लॉस, पोटेंशियल एनर्जी गेन, ठीक है, तो 1/2 एम वी स्क्वायर, मास क्या आपके पास 100 ग्राम डिवाइड बाय 1000 आपने करना है, क्योंकि केजी में लेना है, वेलोसिटी भी आपको दे रहा है 5 m/s, और इससे आपके पास फार्मूले से, काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले से आपके पास वर्क आ जाएगा, ठीक है, 100 है कि मटेरियल बी हैज ट्वाइस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस का फार्मूला आपके पास है रो एल बाय ए, ठीक है, और दूसरे के लिए आपके पास है रो एल बाय ए, आ मटेरियल बी हैज ट्वाइस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए, इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो 2 ऑफ ए दैट ऑफ ए, सर्कुलर वायर मेड ऑफ बी हैज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ वायर मेड, इसका डायमीटर भी ट्वाइस है तो वो 2^2 हो जाएगा, ठीक है, then the two wire have the same resistance, the ratio of IB to IA, LB ye hai, LA is taraf aa jayega, 2 ek 2 2 2 ne 4 2 us taraf chala jayega, to 2 aa jayega 2/1, ye option aapke paas isme correct hai, theek hai, 101 mein aapse pooch rahe newton second kiska unit hai, linear momentum ka ye unit hai, impulse ka ye unit hai, theek hai, the velocity of a body become half, to kinetic energy directly proportion to the velocity ka square, तो 1/2 1/4 मीन, ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ठीक है, द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, किसी भी सेकंड हैंड के लिए लो, हर हैंड के लिए, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इसका 0, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनोइड कैरिंग करंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, जो जिस जिस तरफ जा रहा है उसी डायरेक्शन में इस पे होगा फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेक प्रैक्टिकल यूज ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन सच अ वे दैट इट्स मैक्सिमम हाइट इक्वल टू इट्स रेंज, तो ये कौन से एंगल पे बराबर हो सकता है, तो ये 76 डिग्री पे होता है और यहाँ पे नहीं है, तो नन, इफ द वेव लेंथ ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इज 2 cm एंड द पीरियड ऑफ 2 seconds, देन वेव स्पीड क्या होगी, वेव स्पीड होती है v इज इक्वल टू 2 seconds है ट्रांसवर वेव, इज अ वेव लेंथ, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ को मैं लिख सकता हूँ 1/2 और वो 2 है, तो ये 2 cm, 2 और 2 कर तो कट जाएगा, ठीक है, सिर्फ सेंटीमीटर आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, 1 cm, 1 बच रहा है, अ कार बैटरी हैज EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दिस, इफ इट ड्रॉ 60 A करंट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी विल बी, E प्लस आई आर, ई क्या है 12 प्लस आई आर, आई क्या है 60, आर क्या है 5 × 10^-2 है, ठीक है, फिर यहाँ पे आंसर नहीं बनता अगर हम 10^-2 ना पुट करें, तो एक इसको 0 बना देगा, 5, 6, 30 और -2 है ना, एक -2, एक ये 0 गए और एक ये गए, तो 3 = 12 + 3 = 15 वोल्ट आपके पास, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 109 है द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अब ये फार्मूले हैं आपने याद करने हैं, इसमें ये सी वाला फार्मूला आपके पास करेक्ट है, ठीक है, मीन ये वाला यहाँ से अखज़ होता है, क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर, पहला वी वी गया, अब वी को मैं खोलूँगा आर ओमेगा, यहाँ पे आर आर भी गया, ठीक है, ओमेगा मैं खोलूँगा 2 π f, f क्या है क्यू बी नीचे m, साथ में 2 π भी, तो क्यू बी नीचे 2 π m, इससे फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है, अ ट्रेन इज 200 m लॉन्ग एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिस इट्स टाइम विल टेक टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 1 km, तो 1 km और 1.2 km मतलब 1200 m, तो 1200 m डिवाइड बाई 36 km, किलोमीटर में होता है 1000 डिवाइड बाई 3600, हार में ये 2 0 गए, 36 36 गए, 1200 / 10 0 0 गए, तो 120 सेकेंड आपके पास आंसर बच रहा है, ठीक है, 120 सही किया ना हमने, इस तरह फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, t इज इक्वल टू s बाई v, डिस्टेंस टोटल पुट करना है, टोटल वेलोसिटी, उससे आपके पास आंसर आ जाएगा,
और चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट द स्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम प्लैनेट डिपेंड अपॉन चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रॉन्ग भी पूछे हुए ऊपर से अच्छा द स्केप वेलोसिटी मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं कर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टॉपिंग पोटेंशियल देयर शुड बी इंक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ बढ़ानी पड़ेगी सो देयर शुड बी इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन टू स्प्रिंग ए एंड बी 2 kg तो देखो आर स्ट्रेच बाई अप्लाइंग फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट द फोर एंड इफ द एनर्जी स्टोर इन ए इज द एनर्जी इन बी बी का वो क्या है 2 times है ठीक है 1 kg नहीं है ये के कुछ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होते हैं तो इसमें वो भी बी के लिए भी 2 times हो जाएगा फिर ठीक है अ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टाइम मोर देन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास 10 वोल्ट है ना पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आपके पास होती है क्यू वी ठीक है पार्टिकल है कोई पार्टिकल का इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ दिया हुआ है 10 वोल्ट 10 क्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इलेक्ट्रॉन में मैं पुट करूँ 1.6 मल्टीप्लाई 10^-19 ठीक है नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इधर ही रखना है अ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट तो फिर आपके पास इसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर ये फार्मूला मैं पुट करूँ ना इसमें तो मुझे चार्ज भी चाहिए ठीक है बट यहाँ पे तो इसने चार्ज नहीं दिया एंड अ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ एंड अ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट कितने वोल्ट दे रहा है आपके पास ये आपको दे रहा है 10 वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इसने फिर पूछी हुई इसने सिर्फ वोल्टेज दिए हुए है ना पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट फाइंड काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इसमें हमने फिर मालूम करनी है ठीक है चार का ना अच्छा सॉरी ये देखो ना ए पार्टिकल ना ये यहाँ पे अल्फा पार्टिकल होता है मैंने कहा ना कोई गड़बड़ है ये यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है क्वेश्चन में ठीक है तो एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ तो अब इसमें पुट करो 2 times ऑफ क्यू किसके बराबर है 2 times ऑफ ई और वी आपको क्या दे रहा है 10 वोल्ट दे रहा है ना तो 10 × 2 = 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है तो फिर भी इसमें आंसर नहीं बन रहा ठीक है इसमें फिर मेरे ख्याल में या ये वैल्यू कोई वोल्टेज की इसने वैल्यू कोई क्योंकि इसमें मेगा में मुझे चाहिए आंसर मेगा में इस तरह तो नहीं आता इसको 10 की पावर मुझे कुछ देना चाहिए फिर मेगा में मेरे पास आंसर आएगा ठीक है तो 10 तो सिर्फ 20 बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है फिर आपके पास है कि 115 है इफ देयर आर टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ वोल्ट सो देन एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर के लिए क्या फार्मूला है 1/2 CV² या NCV² n टाइम ज्यादा वो होंगे कैपेसिटर ठीक है फिर है द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन अ पेयर ऑफ प्लेट इज E If the separation of the plate is double and potential difference between the plate is increased by a factor of 4, the new field strength आपके पास क्या होगी? New field strength आपके पास क्या हो जाएगी? If electric field strength between a pair of E, if the separation of the plate is double, ठीक है, V by D होता है, V को 4 गुना, 2 × 2 = 4, 2 आपके पास आ रहा है, ठीक है? और which of the following is not EM wave? EM wave में कौन आपके पास नहीं आता? Sound wave. A shell of mass m moving with velocity v suddenly into 2 pieces. The part having mass 1 m by 4 है. तो दूसरे को क्या होना चाहिए? 3/4 ठीक है तो 4 LCM 4 − 3 4 − 1 तो 3/4 equal to वो velocity. अब ये final velocity मुझे चाहिए 4/3 उधर चला जाएगा तो 4/3 v. Heat and work are equivalent. This means इसका मतलब क्या है? इट्स मीन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी कैन बी इंक्रीज बाई डूइंग वर्क ऑन इट अच्छा अ सिस्टम कैन बी टेकन फ्रॉम द इनिशियल स्टेट पी वी टू फाइनल स्टेट ठीक है टू डिफरेंट मैथड लेट डेल क्यू एंड डेल डब्ल्यू रिप्रेजेंट द हीट गिवन टू द सिस्टम एंड द वर्क डन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी सेम इन बोथ मैथड देखो कौन से मैथड में दोनों आपके पास सेम रहेंगे तो अगर
Which of the following must be same in both the method? A system can be taken from the initial position. तो देखो जो path function है ना, Q और work, delta Q plus delta W, ठीक है? अब minus W तो फिर और work जाहिर करता है, ठीक है? और plus W mean work done by the system, ठीक है? A 120 joule of work was done on a gas, 40 joule heat energy was released, initial internal energy was 70, what is the final? Heat क्या था 120 नहीं, वो तो वर्क है, हीट है 40 जूल ऑफ हीट वाज रिलीज, तो -40 फाइनल माइनस इनिशियल, इफ द इनिशियल इंटरनल एनर्जी 70 -70 120 जूल ऑफ वर्क इज डन, ये हो जाएगा -20, तो -90 उस तरह हो जाएगा +90 -40 50 जूल आपके पास आ जाएगा, ठीक है? ठीक है 50 जूल, 120 जूल ऑफ वर्क वाज डन ऑन अ गैस, तो ये भी -20 है, 40 जूल ऑफ हीट एनर्जी वाज रिलीज, वो भी -40 है, if initial, तो ये तो final minus initial लिखती है ना, ये minus तो formula वाला है, time required by the projectile to reach the summit height, यानी half होता है 4h by g के बराबर आपके पास होता है, ठीक है? वैसे t is equal to 8h by g, उसका half क्या होगा, 4h by g आपके पास हो जाएगा, और यहाँ पे हमारी discussion खत्म होती है।